आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। इसमें यहाँ पर इतने तेजी से गिरावट क्यों हो रही है और ये गिरावट के बाद में इसमें किस तरीके से डिसीजन लेना है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि सर इसमें आप फ्रेश बाइंग करें, यहाँ पर इसे होल्ड करना है या सेल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पर, कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। इस पर से आप ये डिसीजन जरूर ले सकते हैं दोस्तों इजीली कि इस कंपनी में आपको क्या करना है। बोलकर मैं आपको बहुत ही साफ साफ तरीके से बताऊंगा इस कंपनी में क्या चल रहा है और कंपनी में गिरावट क्यों हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए वॉल्यूम के बारे में आप बोलेंगे सर वॉल्यूम पे से हमें यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग होगी और हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा कंपनी के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। वॉल्यूम पे से ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर में कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर खरीदारी हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा 9 मार्च की बात करें, जैसे कि आज के दिन की बात करें, इसमें 41% की डिलीवरी मार्केट से उठाई गई नजर आती है। तो खरीदारी स्टॉक में अच्छी खासी दबाकर होती हुई नजर आ रही है। और आप देखेंगे तो प्राइस लेवल भी देख सकते हैं कितना है, तो 7,750 रुपये के प्राइस पर भी लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद कर रख ली है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इतना महंगा होने के बाद भी शेयर में खरीदारी क्यों हो रही है, तो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए कि इसका फ्यूचरिक हाई कितना है, 10,000 का। राउंड फिगर बताना चाहूँगा, 9,950 बोले तो भी यहाँ पर 10,000 पकड़ सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छी बात एडवांटेज देखेंगे तो अभी शेयर कितने में मिल रहा है, राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 7,700 पर। तो आपको पर शेयर पर देखिए कितना अच्छा बेनिफिट हो रहा है, लगभग बात करें तो यहाँ पर पूरे तरीके से 2,500 के करीब का हम यहाँ पर बेनिफिट पकड़ सकते हैं। तो ये सबसे एडवांटेज वाली बात है। अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए 6 महीने में स्टॉक ने रिटर्न के मामले में इन्वेस्टर को 3,000 रुपये कमा के दिए पर शेयर पर। एक शेयर पर 3,000 रुपये देख सकते हैं, 10 से 5 शेयर होंगे, 15-20 शेयर होंगे, तो बेनिफिट कितना तगड़ा है। तो ये एडवांटेज है। और मैं आपको बता दूँ इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल किया था और बताया भी था। अब मैं आपको डायरेक्टली ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉक में आपको करना क्या है, ये समझ में आता होगा कि जो यहाँ पर खरीद कर बैठे हैं वो यहाँ पर होल्डिंग बना सकते हैं और बेनिफिट कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें गिरावट क्यों हो रही है। तो गिरावट दोस्तों यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है कंपनी में, देख लेना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी तरफ से कोई भी इशू या प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको ऑफिशियल भी बता दूँ कि कंपनी में कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि स्टॉक में गिरावट हो जाए बोलकर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर स्टॉक में ऐसी शानदार तरीके से 4% के करीब की गिरावट क्यों हुई है, तो इसमें दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग, आप बोलेंगे सर इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होती है क्या, बिल्कुल दोस्तों इसमें क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर कम है मार्केट में। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इतने ज़बरदस्त तरीके से इसमें गिरावट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ शेयर कितने मार्केट में, खाली यहाँ पर 3 करोड़ के, क्वांटिटी 3 करोड़ है। तो इसमें आप देखेंगे प्रमोटर के पास ही खुद के पास यहाँ पर 51% का स्टेक खुद प्रमोटर के पास है, बाकी का DIS म्यूचुअल फंड पब्लिक ऐसे अलग अलग इन्वेस्टर के पास है। तो डेली बेसिस पर जो यहाँ पर आप कहूँगा डिलीवरी मार्केट से खरीद जाती है बेची जाती है, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आज कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी बेची गई, इस वजह से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, इस बात को याद रखना। और आपको कहूँगा कि मार्केट में यहाँ पर दो ही चीज़ें चलती है, डिमांड सप्लाई, ये रूल बहुत ही फिक्स बैठा है दोस्तों। जितना यहाँ पर स्टॉक के बारे में डिमांड रहेगी मार्केट में उतना ही शेयर वो आपको तेज़ी में बढ़ते दिखेगा। और बताना चाहूँगा जो स्टॉक में यहाँ पर गिरावट, खरीदार कम बेचने वाले ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या होता है गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें ना इंडिया मार्ट के बारे में, तो कोई यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आप एक एक चीज़ को यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 23,629 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप नज़र आएगा। वैल्यूएशन से कंपनी यहाँ पर बढ़िया ही है। और साथ साथ देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा कंपनी पर 1 रुपये का कोई कर्जा नहीं है। यहाँ पर हम और भी एडवांटेज की बातें देखेंगे तो कंपनी में आपको सभी चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट नज़र आएगी। जैसे कि हम बात करें देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ 2 डिजिट में, ROC देखेंगे वो भी बढ़िया, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी शानदार, यहाँ पर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे उसमें भी दम नज़र आता है, सेल्स की ग्रोथ देखेंगे 2 डिजिट में नज़र आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी चीज़ों में कंपनी अव्वल नंबर पर आती है। अभी ये तो बात होगी, देखिए कंपनी के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी एडवांटेज के बारे में। अब यहाँ पर और एक एडिशनल पॉइंट देखेंगे, इसको कॉम्पिटिटर नहीं दोस्तों, मार्केट में ऐसा बिजनेस करने वाली कोई कंपनी ही अवेलेबल नहीं है, तो कोई इशू ही क्रिएट नहीं होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कंपनी अकेली ही मार्केट में बिजनेस करती हो तो उसका मतलब क्या है, कंपनी की है मोनोपोली। तो यहाँ पर इंडिया मार्ट यहाँ पर इतना शानदार स्टॉक है कि इसके लिए कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया का अलीबाबा है दोस्तों। अलीबाबा मैं इसको क्यों कह रहा हूँ तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने कितने बार रिपीट भी किया है और अभी बताना चाहूँगा, आप कभी भी यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में बोल तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ को यहाँ पर खरीदना चाहते हैं, आपकी शॉप हो यहाँ पर बेचना चाहेंगे, तो उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, क्लॉथ हो,
जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हो, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हो, यहाँ पर आप इक्विपमेंट मंगा सकते हैं, स्टेशनरी मंगा सकते हैं, बुक्स मंगा सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर आप देखेंगे साइंटिफिक, यहाँ पर जो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी चीज़ें मंगा सकते हैं। देख लेना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट जो होते हैं वो भी मंगा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, एनिमल्स, ये जो यहाँ पर फर्टिलाइजर के बारे में सभी जो चीज़ें हैं वो आप मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे, मशीन मिल जाएंगी, पावर टूल्स, ये सभी जो मैं आपको चीज़ें भरकर दिखा रहा हूँ ये सभी के सभी यहाँ पर बेचने को। और ऐसा नहीं कि एक दो क्वांटिटी बोलकर, जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा। इनके डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और खरीदार भी स्टॉक में आपको कहूँगा यहाँ पर लोग ट्रस्ट भी स्टॉक पर नज़र आता है और दिखाते हुए भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें या कंपनी के यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो सभी तरफ इस कंपनी में ट्रस्ट और ज़बरदस्त चीज़ें नज़र ही आती है। मैं आपको जैसे कि बता दिया कि स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद कितना अच्छा गेन साबित करके दिखाया। देखिए यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हैं, जुलाई मंथ में 2019 में 1300 रुपये पर स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज देखिए 7700 पे चल रहा है। इन्वेस्टर को तो मालामाल एक्चुअली स्टॉक ने कर ही दिया है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं स्टॉक ने कितने रिटर्न कमा दिए हैं यहाँ पर, एक साल में, एक डेढ़ साल में आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर 480% के रिटर्न। और रुपीज भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता चाहूँगा राउंड फिगर 6500 रुपये पर शेयर पर कमा के दिए। इतना बढ़िया तरीके से वेल्थ क्रिएशन आपको इस स्टॉक में होते हुए नजर आएगा। आप देखिए इतनी चीज़ें बताने के बाद आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसको खरीदना किस लेवल पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा राउंड फिगर देखेंगे तो 7000 का लेवल बहुत ही बढ़िया रहेगा। और उसके ऊपर भी आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर 7300, 7400 ऐसे लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको गिरावट दिख जाए आप तब यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। आई होप आप बढ़िया तरीके से इंडिया मार्ट के बारे में समझ चुके हो कि आपको इस स्टॉक में क्या करना है और इसमें खरीदारी कैसे करने उसके बारे में भी। और यहाँ पर जो भी खरीद कर बैठे वो होल्ड ही कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, थैंक यू। आप सभी स्वागत है, बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। बहुत से इन्वेस्टर के कमेंट आते हैं कि सर इसमें